कि आप वाई यानी कि यूट्यूब और स्टडी दोनों को मैनेज कैसे करते हो ठीक है ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है मतलब कॉमन क्वेश्चन मोस्ट है ना जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था ना मुझसे वो यही था कि आप वाई यानी कि यूट्यूब और स्टडी दोनों को मैनेज कैसे करते हो तो सबसे पहली बात है मैं अब स्टडी के लिए अलग टाइम निकाल के रखते हैं एंड यूट्यूब के लिए अलग अब वो किस तरीके से होता है मैं क्या करती हूँ यूट्यूब के लिए तीन से चार वीडियोस संडे वाले दिन बना लेती हूँ और संडे वाले दिन क्योंकि छुट्टी होती है और कुछ भी नहीं, नहीं करना होता कोचिंग में बस टेस्ट होता है टेस्ट दे करके आना होता है उसके बाद पूरा दिन फ्री होता है तो फिर मैं तीन से चार वीडियोस बना के रख लेती हूँ और वो हम पूरे वीक में अपलोड करती जाती हूँ ठीक है ठीक है तो अब मैं इसको किस तरीके से मैनेज करती हूँ तो स्टडी का अलग टाइम होता है जो टाइम मैं कोचिंग में निकाल लेती हूँ या फिर आने के बाद थोड़ी सी स्टडी कर लेती हूँ ठीक है बाद में मैं थोड़ा सा यूट्यूब को भी देख लेती हूँ जैसे कि बाकी चीज़ें होती हैं है ना यूट्यूब का कंटेंट आप लोगों को देखना है कंटेंट मेरा स्टडी से ही रिलेटेड होता है तो फिर मेरा भी एक तरीके से रिविजन हो रहा होता है और आप लोगों को मैं समझा भी रही होती हूँ तो ये दोनों ही टास्क मैं बहुत इजीली मैनेज कर लेती हूँ इसमें कोई भी झंझट नहीं है आप लोग चाहो तो अपना स्टडी चैनल बनाओ मैंने आप लोगों को एडवाइस भी दी थी कि अगर टेंथ क्लास में हो तो मैंने टेंथ क्लास में ही अपने यूट्यूब चैनल को दोबारा से आ, स्टार्ट करना शुरू कर दिया था मतलब ये चैनल मेरा सेवन्थ क्लास से है बट सेवंथ के बाद से मैंने इतनी वीडियोस तो इस पर अपलोड नहीं की थी टेंथ में जब मैं आई थी मैंने इस पर रीअपलोड करना शुरू किया वीडियोस को और वो चलने लगी वीडियो मैंने क्या किया अपनी ही वीडियोज़ को एग्जाम के टाइम पे सुना क्योंकि मुझे अपना समझा हुआ ज़्यादा अच्छे से समझ आता है ठीक है तो आप लोग भी यह करो जैसे ही कोई भी चैप्टर पढ़ कर के आ रहे हो स्कूल से कंप्लीट हो चुका है उसकी वीडियो बनाओ क्योंकि आप लोगों को, को जितना समझ आया होगा वो सब आप उस वीडियो में डाल दोगे ठीक है आप उसको क्या करना है आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पे जैसे मैंने बोर्ड्स के टाइम पे उन्हीं वीडियो से रिविज़न कर लिया था ठीक है तो मैंने किस तरीके से मैनेज किया दोनों चीज़ों को होपफुली आपको इसका आंसर मिल चुका होगा